ही तो ही, तू 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 ही तो ही, वाहे गुरु, वाहे गुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझदा है कि मैं जथेदार गुरदयाल सिंह होर दे सन्मुख बैठा, आप सब संगत जो कि संगत टीवी दी संगत है वो सन्मुख हो रहे हैं। सो मैं बड़ी खुशी हुई है कि जो प्रोग्राम तू ही तू यदा टाइटल यदा सिरलेख अपने आप दे विच बहुत ही विशा है, बहुत ही वसी है और बहुत ही वड्डा है। सो इस टाइटल दे तहत मैनू समझण दी को मौका मिलिया है, मैनू सोचण दा मौका मिलिया है कि तू ही तू, तू कौन है। जदों इस सवाल पैदा हुंदा है ते उस तो पहला सवाल पैदा हुंदा है कि मैं होवांगा ते तू होएगा, जे तू आ ते मैं। मैनू गुरबाणी दी तुक याद आउंदी है, जो ब्रह्मंड है सोई पिंड है। जिन्नी देर तक असी ब्रह्मंड नू नहीं समझते उन्नी देर तक असी पिंड नू अपने शरीर नू अपनी तनदेही नू नहीं समझ सकते। सो ये ब्रह्मंड है जिहड़ा ये पंच भौतक आ, पंच तत्तां दा बनिया होया है। पंच तत्तां दे विच सब तो पहला तो आकाश है, उस तो बाद सूरज है, उस तो बाद हवा आ, फिर पानी आ, तो फिर धरत है। हर दुनिया का जीव जंतु इन पंजा तत्तों तो बनया हुआ है। साडे कोल पुरातन हैल्थ साइंसिस ने जिहड़ियां वो सानू दसदियां है कि जिन्ना साडे कोल सब्जी भाजी आ, फल फुल है, जड़ी बूटी है, वो सारी दी सारी एक भौतिक है। किरम जात किरम जंत जिन्ना भी है वो सारा ही दो भौतिक है, और उस तो बाद पंख पंखेरू ने जड़े वो तीन भौतिक ने, चौपाए जानवर पशु वो चार भौतिक ने, ते कल्ला इंसान बेशक दोपाया है ये पंच भौतिक है। इस करके इनू 84 लाख जून का सिरदार मनिया गया। जे ब्रह्मंड ते पिंड की तुलना करिए ते ये जड़ा पिंड है ये ब्रह्मंड का अंश है, ये आत्मा उस परमात्मा की अंश है। तो जे असी इस जीव रूपी इंसान की डिसइंटीग्रेशन करिए, इनू थोड़ा जिहा वखरेवां कर दिए, तो असी अपने तनदेही नू इस मानस जात नू चार हिस्सों च वंड सकते हैं। पहला हिस्सा साडे कोल साडी रूह दा आया, साडी आत्मा दा है। दूसरा भाग इहदा मन दा है, तीसरा दिमाग ते चौथा शरीर। और बड़ी विडंबना है कि पहले दो हिस्से मैटाफिजिकल ने, अदिख ने, जे सानू दिखदी नहीं जिहड़ी चीज़ असी उहदे होण तो इनकारी नहीं हो सकते, उह सानू दिखदा नहीं लेकिन उहदी होंद है। दो चीज़ां जिहड़ियां बाद दे सैगमेंट्स ने, साडा दिमाग ते साडा शरीर, ये फिजिकल सैगमेंट्स ने, और इस चारां दा सुमेल है जिहड़ा वो सानू मानस देही कहाउंदा है। ये सारियां दियां सारियां चीज़ां जो इंसान नू उस परम अकाल पुरख ने दित्तियां आ, वो सारे जीवां नू नहीं दित्तियां। सो जिथे ये चार सैगमेंट चार भाग चार हिस्से मानस देही नू दित्ते है, उत्थे इहदा भोजन भी दित्ता है। सो ये भोजन
आत्मा का भोजन, मन का भोजन, दिमाग का भोजन ते शरीर का भोजन। सो जदों असी शरीर के भोजन की गल करते हैं तो उस वेले असी खाण पीण ते सूंघण की गल करते हैं, ये पंच भौतिक शरीर का भोजन है। जदों असी आत्मा की गल करते हैं, जदों असी अपने अंदर वसदी रूह की गल करते हैं तो उहदा भोजन सब तो सूखम ते सब तो सौखा है। वो किहड़ा है? सिर्फ ते सिर्फ उस अकाल पुरख का अंश जिहड़ी साडे अंदर आत्मा वसदी है, उस विसा वसी परमात्मा का अंश जिहड़ा आत्मा साडे अंदर वसदा है, वह हमेशा हर इंसान नूं कहिंदा है ये काम कर लै, ये काम ना करी। असी बोले हो सकते हैं, असी अनसुनी कर सकते हैं, लेकिन हर कार विहार के वास्ते साढ़े अंदरों साड़ी आत्मा बोलती है। जदों असी उस आत्मा की आवाज़ नूं सुन लीए, अंतर मन हो के, अंतर चित हो के, अंतर आत्मा की अगर गल मन लीए तो वो गल सानू सफलता वल लै जांदी है ते साड़ी रूह खुश हो जाती है, तृप्त हो जाती है, उन्हूं उहदा भोजन मिल जाता है। तो जदों असी उन्हूं विसार दिंदे आ, जदों असी उहदे तो कुताई करते हैं, फिर असी असफलता वल जाने, दुखों वल जाते हैं, बीमारियों वल जाने, फिर सानू असफलता ही साढ़े पल्ले पैंदी। सो इस करके एडा छोटा भोजन के आत्मा की गल मन लेनी, मैं समझना है कि यह बहुत वड्डी ते समझण वाली गल है। दूसरी गल जिहड़ी है वह है मन की। गुरु बाणी दे विच शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच बहुत वड्डे लेवल दे उत्ते मन की कीती गई है गल, और मन जीते जग जीत ते गल मुकदी आ। जेड़ा मन नूं जित लैंदा है उही जग जित लैंदा है, पर मन नूं समझिया ते जावे, क्योंकि मन आकाश दा बच्चा है। आकाश केड़ा? गुरबाणी दे विच दस्या लख आकाशा आकाश, लख पताला पताल। एक आकाश जिदे विच एक सूरज है, एक चंद्रमा है, कुछ सैयारे ने ते करोड़ा अरबा तारे ने, ये एक आकाश है, एक गलैक्सी है, ते इस ब्रह्मंड दे विच अणगिणत आकाश ने, लख आकाशा आकाश, लख पताला पताल, और ब्लैक होल दे विचों दी पूरी गलैक्सी अंदर निगली जांदी। सो इस धरती दा रूप स्वरूप कट्टे दे डस्ट दे एक कण दे बराबर है, और उहदे उत्ते वसदा ये जीव अपनी हस्ती और हसीयत नूं जरूर समझ लए जदों असी ब्रह्मंड दी गल करते हैं। सो मैं गल कर रहा सी मन दी, कि मन दा भोजन की है। जे असी मन नूं मन दा भोजन नहीं देंदे, मन उचाट हो जांदा है। मनोरंजन चाहिदा है, मन परचावा चाहिदा है, एंटरटेनमेंट चाहिदी है, रीक्रिएशन चाहिदी है, अम्यूजमेंट चाहिदी है, केड़ी? जेड़ी उसारू होवे, जेड़ी रचनात्मक होवे, जेड़ी बंदे नूं बंदगी सिखाउंदी होवे, जेड़ी इंसान नूं इंसानियत सिखाउंदी होवे, ते जेड़ी आत्मा नूं परमात्मा दे नाल मिलाउंदी होवे, ओह रीक्रिएशन चाहिदी। उसारू जिहदे चों सानूं हासा मिलदा होवे, ठट्ठा मिलदा होवे, आनंद मिलता होवे, चैन मिलता होवे, सुकून मिलता होवे, वो मन की खुराक है। तो मन जिहड़ा आ, क्योंकि आकाश का बच्चा और ये उडारू इन्ना, ये चलंत इन्ना, ये फिरतू इन्ना कि इनू एकाग्र चित होना बहुत ही औखा है, बहुत ही कठिन है। बहुत सारे योगी लोग मोमबत्ती जगा के किसी वेले मन नूं एकाग्र करन दी कोशिश करते हैं, मेडिटेशन करन दी गल करते हैं, पर वो गल्लां किते समझ नहीं आईयां, अजे तक समझ नहीं आईयां कि मन नूं जिहड़ा आकाश दा बच्चा है और जिहदी गति और जिहदी स्पीड, मन दी गति जिहड़ी है उहनूं डिटरमिन नहीं कीता जा सकदा। हुणे ही तुसीं अखां मेलदे हो ते पैरिस दे विच तुसीं टावर ते पहुँच गए, ते हुणे ही तुसीं अंतरचित होंदे हो दरबार साहब दे विच मत्था टेक रहे हो। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਔਰ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਖੜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਨ ਕਦੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਓ। ਦਿਮਾਗ ਏਡਾ ਤੀਖਣ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਹੋਰ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨਮਤ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਚ, ਸਿਧਾਂਤ, ਅਸੂਲ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮਨਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸਫਲਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਨਮਤ ਹੋਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਨਮਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੀਖਣ ਕਰਦੇ। ਦਿਮਾਗ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਆ। ਡਰਾਈਵ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ। ਇੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਆ ਉਹ ਮਨ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਮਨਮਤ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੀਖਣ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਥੀਸਿਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਥੀਸਿਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ। ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਥੀਸਿਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਥੀਸਿਸ, ਐਂਟੀ ਥੀਸਿਸ ਔਰ ਸਿੰਥੀਸਿਸ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਪਾਵਰ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਅਥੋਰਿਟੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਨੀ, ਪਾਵਰ ਔਰ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੀ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਅਥੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਘਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਗੁਆਚੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੀਖਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣ ਵੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ
ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਉਹ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਉਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਪਰ ਉਸ ਲੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਡਰੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਉਹ ਬਚ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਬੁਢਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਦੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਚੰਚਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਵਿਖਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਿਓਰਮੈਂਟਸ ਦਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਡ ਲੈ ਕਾਂ ਉੱਡਦਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1.5 ਫੁੱਟ 2 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਖੰਭ ਆ 2 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹੱਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਂਟੀਥੀਸਿਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਟੀਫਿਕਲੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਆ ਮਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਬੁਝਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਜਾਣੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੜਚਣ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ ਦੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਜੇ ਆ ਉਹ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਜੂਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਮ ਆ ਅਨਮੁਲਕ ਜਨਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਆ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਸ਼ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ 5 ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ये एक शरीर आ, एक दिमाग आ, एक आत्मा है, एक मन आ, इन्हों का आपस में सिस्टम चलता रहता। पर जो दिमाग के अंदर आत्मा के अंदर कमांड चलती है तो शरीर अपनी मंजिल पर पहुँच जाता। तो जदों साड़ी कमांड आत्मा तो भी दूर चल जाती है, दिमाग भी साड़ा काम नहीं करता, तो यह जिहड़ा शरीर आ इत्थे गर्क हो जाता, साड़ा जीवन जिहड़ा इत्थे गर्क हो जाता। डॉक्टर साहब तुसी जे नूं तोड़न वास्ते गुरु महाराज की शरण में जाण वास्ते जो उपदेश दिता है, ये साड़ा जिहड़ा तू ही तू दा प्रोग्राम इहदे विच बहुत ही शलांघा योग एक आप जी ने रोशनी वाली गल की है। तो तुसी जिहड़े मेरे वीर किसी तरीके नाल दूर जा चुके आ, उन्हां नूं आपां कोई इदां दा सरल जिहा तरीका दसो जिहड़ा उन्हां नूं असीं बेनती कर सकीए कि तां कि वह मुड़ के अपने सही राह ते आ सकन। कोई इदां दा तरीका क्योंकि दवाई तो उहदी कोई नहीं मेरे ख्याल ना, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं, ये कोई उलझा होया पैर आ जां कोई गलत पुटिया होया पैर आ, किहड़ा तरीका असीं वर सकदे तां कि जिहड़े वीर मेरे वीर भैणा उस रास्ते तो भटक गए आ, उन्हां नूं मुड़ के आपां किदां इस रास्ते ले आईए। सबमिशन या पाणा, ये असी कंसैप्ट समझ लईए कि जो कुछ हो रहा है तेरे पाणे च हो रहा, क्योंकि पाणे च इस करके कि जे एक्ट एक्शन होएगा तो रिएक्शन होएगा और उहदे विचों जिहड़ा रिजल्ट आ वह अकाल पुरख की हुक्म के मुताबिक होया हुंदा है। इस करके कोई चीज़ उठती है उहदे खिलाफ़ दूसरी चीज़ उठती है। सो पाणे च रहना सबमिशन के मैनू नहीं कुछ पता, मैं अपनी अकल मत तेनू समर्पित करदा हाँ, तू मैनू सोची दे। इस करके असी जदों गुरु घर जा के मत्थे दा मतलब हुंदा है मस्तिष्क अकल, इनू असी जाके जदों नक रगड़ के मत्था जमीन दे उत्ते टका दिंदे इनू टेक कहिंदे आ, उस वेले असी अपनी अकल नू समर्पित करदे हाँ कि आ मैं अकल तेनू समर्पित करदा हाँ, तू मैनू इहदा नवीनीकरण करके मैनू दे तां कि मैं अपनी जिंदगी नू सेध दे सकां, तां कि मैं बहुत सारिया मुश्किलों नू बहुत सारा जिहड़ा डूंगा ये भव सागर है इस भव सागर दे विच मैं कामयाबी दे विच निकलां। और सानू नतमस्तक रोज़ सवेरे शाम उस अकाल पुरख नू होना चाहिए तां कि मैं अपनी जिहड़ी तुश बुद्धि आ ये मैं तेनू समर्पित करना है, तो मैनू वड्डी बुद्धि दे तां कि मैं इस सारे संसार नू इस सारे ब्रह्मंड नू और इस भव सागर नू समझ सकां। ये तो आप गल हो गई ना उन्हां वीरां लई जिहड़े वीर इस गल नू समझदे आ, पर जिहड़े चिकड़ विच डुबे पए आ जिन्हां कोल कोई समर्थ ही नहीं बाहर निकल दी, उन्हां दी बाह फड़ के आपां कढ़नी आ। जिदा गुरु नानक देव जी ने चार उदासियां लै के इस धरती उत्ते जन्म लै के कूड़ दा जिहड़ा हनेरा सी उहदे विचों लुकाई नूं कढ़न वास्ते उपराले कीते जां कढ़िया, ते आपां किहड़ा उपराला ऐसा कर सकदे आ कि जिहड़ा साडा अज दा मनुख आ उह गुरमत तों दूर जा रिहा ते नेरे विच टकरां मार रहा, नेरे विच डुब रहा, चिकड़ विच डुब रहा, किहड़े तरीके नाल आपां ऐसा कोई उपराला करिए तां कि उहनां दी बांह फड़ के आपां उहनूं कढ़ लईए। कोई ऐसा तरीका जां कोई फार्मूला हैगा? बहुत औखा है सवाल। औखे नूं मैं सिंपल करन दी कोशिश करना है कि जदों असी एक ओंकार कहने आ ना, ते ओम दा मतलब है ब्रह्मंड और एक दा मतलब है उन्हूं तोड़ के एक वल लै जाना, कि इहदा सब तो छोटा कण है जिहड़ा ओ आ जीवात्मा। जे जीवात्मा नूं असी इहदा दिल दिमाग रूह शरीर असी समझ लईए, समझण तों बाद उहनूं असी अकाल पुरख नूं समर्पित कर दईए, साडे अंदर इन्नी सोझी पै जाए तो उत्थों ज़रूर एक लाइट मिलती है। सो वह साडी लाइट जिहड़ी आ उह साडे अंदर रोशनाई करदी है और फिर सानूं अगे साडा मार्ग जिहड़ा आ उहदा दर्शन हुंदा आ, इह अकाल पुरख दिंदा। जे असी उहदे उत्ते ध्यान एकागर करिए, उहदे ते असी एकागर चित होईए, फिर सानूं उह ज़रूर रस्ता दिंदा। डॉक्टर साहब जी अपने फिर प्रोग्राम च जे आ गए, जे आपां जे अज कढ के तोड़नी आ अपनी, फिर उत्थे दी उत्थे मुश्किल खड़ी आ, इह तां अपने लई आ, पर उह चिकड़ जिहड़ा डुबा उहदा दिमाग खत्म हो चुका, आपां किहड़ी रस्सी सिटी उहदे वल नूं, जां असीं किहड़ा बोट भेजीए जां किहड़ा ऐसा उपराला करिए, उह जिहड़ा चिकड़ 'च डुबाया
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਕੱਢ ਕੇ ਨਵਾਈਏ ਧੁਆਈਏ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਾਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੱਕਰ ਡੁਬਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਕਰ, ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਦੇ, ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਉਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖੀਰ ਜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਤਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਲਓ ਉਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਭੂਤਰ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਮਾਰੋ ਭੂਤਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ ਆਪਣੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦਾ, ਹਰ ਪੰਖ ਪੰਖੇਰੂ ਦਾ, ਹਰ ਕਿਰਮ ਜਾਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸਾਡੀ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲ ਗਏ ਆ, ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪਦੇਸ਼, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਮੰਗੀਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਦਾ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਈ ਕਾਫੀ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਮਾੜਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੰਗ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਆ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਸਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੂੰ ਦੇ ਭੇਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਸਾਡੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਸਾਡੀ ਕਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਗਲੋਬਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸੰਗਤ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਅੱਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
कि इहदे विच मन आ, इहदे विच आत्मा आ, इहदे विच दिमाग है, इहदे विच शरीर है। और पिंड नूं ते ब्रह्मंड नूं जोड़न वाले जे पंच भौतिक शरीर आ ते पंज चैनल ने, पंज बैरल ने जिहड़ियां पिंड नूं ब्रह्मंड दे नाल जोड़दियां है, अंदर वसदी कुदरत नूं बाहर वसदी कुदरत दे नाल जोड़दियां। सो वो पंज चैनलों दे विच पहला हैगा आहार, आहार दा मतलब है साडा भोजन। दूसरा हैगा व्यवहार, मतलब साडियां डीड्स एंड डीलिंग्स, असीं लोगों दे नाल वर्ताव किहो जिहा करदे। आहार, व्यवहार और विचार, अपने विचारां नूं तीखण करन दे लई, उच्च कोटि दे करन दे लई, स्पष्ट करन दे लई असीं कित्थों लाइट लैंदे आ, रोशनी कित्थों लैंदे। उस तो बाद है तुहाडा आचार, आचार दा मतलब आ कि असीं मर्यादा दे विच रहना आ, एक बंदिश दे विच रहना है। और आखिर ते संचार है कि साडा बोल बुलारा एडा मिठत वाला होवे, इन्ना सुरीला होवे, इन्ना चंगा होवे कि जदों तुसी किसे नाल गलबात करदे हो उहदे ते मलम लगे, उनू चंगा लगे, उनू बहुत वधिया लगे। सो आहार, व्यवहार, विचार, आचार, संचार, ये पंज बैरल ने जिहड़ियां जे तुसी कुदरत दे असूलां दे मुताबिक चलदे हो ते कुदरत जिहड़ी आ तुहाडे तों खुश हुंदी है। जे तुसी कुदरत दी विरोधता करदे हो ते फिर तुसी अपने आप दे विच एगनीज, दुख तकलीफां दे विच लपेटे जांदे। मतलब ओ जिहड़ी दुख तकलीफां जां नरक वल नूं जाणा ओहदे भागी असी बणदे, पर असीं कई वारी कहिंदा ओहदे भाणे 'च हुंदा ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਸਕੇਪਿਜ਼ਮ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਫੋਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਭਾਣਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਲੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਰੱਖਦਾ। ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਵਿਕ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਣਾ ਖਾਓਗੇ, ਸੰਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਓਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁੰਨ ਬਤੁੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਾਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਬਾਹਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ 'ਚ ਵੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਸੰਕੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ, ਸਭ ਲਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੇ ਟੇਸਟ ਬਡਸ ਨੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਦਾ, ਭੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਤਵਿਕ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕਤ ਹੈ ਕਿ 36 ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 36 ਪਦਾਰਥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਤ ਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਪਦਾਰਥ ਸਮਲਿਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਉਹ 36 ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਅਤੇ ਸੁੰਘਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਪਦਾਰਥ ਸਮਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
तो वह संतुलित भोजन नहीं नहीं बन सकता। बैलेंसड डाइट वक्री चीज़ है। साइंटिस्ट ने न्यूट्रिशनल डाइटिशियंस ने एक वक्री गल की है, वो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, प्रोटीनस होने चाहिए, वाइटामिन होने चाहिए, मिनरल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, यस होने चाहिए है, पर ये तो छे ही ने, बाकी ती के मतलब बैलेंस डाइट संतुलित खुराक एक वक्री चीज़ है। संपूर्ण भोजन का कंसैप्ट गुरबाणी च पिया हुआ। सो मैं दुनिया भर के इस कंसैप्ट दुनिया तक पहुँचा रहा है कि गुरबाणी के मुताबिक संतुलित भोजन एक हिस्सा आ संपूर्ण भोजन की गल करिए। संपूर्ण भोजन के सानू गिनती करनी पेगी 36 कि दुनिया के उत्ते जो ब्रह्मंड है सो ही पिंड है, जो बाहर सानू दिसदा है साढ़े अंदर है और उही सानू चाहिए। सत्त रंग बने ने, अठवां रंग कोई बनया नहीं, सत्तां नू आपस च मिला के करोड़ा रंग बना लो बन सकते, वो सत्त रंग साढ़े भोजन के शामिल होने चाहिए। छे स्वाद बने हैं, सत्तवां स्वाद अजे कोई नहीं बने, आपस च मिला के तुसी होर 35 स्वाद बना लो। जे रोज़मर्रा जिंदगी दे विच तुहानू कौड़ा नहीं मिलता, थानू तिखा नहीं मिलता, थानू लूणा नहीं मिलता, थानू मिठा नहीं मिलता, थानू कसैला नहीं मिलता, तो तुसी किते ना किते गलती कर रहे हो। बहुत मिठा लोगे तो गलती हो रही है, बहुत कौड़ा होएगा। स्पैसीफिक प्रपोर्शन है कि साडे भोजन दे विच छे स्वाद भी होने चाहिए। दुनिया के उत्ते दो तस्वीरां बनियां मुढ़ कदीम तो, एक गर्म हुंदी है एक ठंडी हुंदी है, उहदियां वक्खरियां क्लासीफिकेशनस अगे ने कि गर्म तर होना चाहिए या गर्म खुश्क होना चाहिए, लेकिन जरूर गर्म तो ठंडे की साडा शरीर बनया हुआ, साढ़े को हरारत भी है तो साढ़े को ठंडीर भी है। उस तो बाद छे न्यूट्रिएंट्स की गल आती है, उस तो बाद असी संतुलित खुराक की गल करते हैं कि आ कार्बोहाइड्रेट्स आ मिनरल्स ने आ फैट्स ने आ कुछ है, ये सानू सारा कुछ चाहिए। सो लास्ट के उत्ते बट नॉट द लीस्ट कि सानू सत रंग, छे स्वाद, दो तसीरां, छे न्यूट्रिएंट्स और 16 किस्म दे या 15 किस्म दे अरोमास खुशबुआं चाहिए। और वो खुशबुआं ने जड़ियाँ अपने आप दे विच अरोमा थेरेपी एक इंडिपेंडेंट थेरेपी है, अपने आप दे विच कलर थेरेपी क्रोमोथेरेपी एक इंडिपेंडेंट थेरेपी है, क्योंकि शरीर नू इन्हां चीज़ां दी जरूरत है। सो इस करके संतुलित भोजन ते संपूर्ण भोजन दे विच जमीन आसमान दा अंतर है। संतुलित भोजन नू असी नकारदे नहीं, पर संपूर्ण भोजन वास्ते असी अरदास करदे हां कि दुनिया च जिन्ने भी गुरु घर और उहदे प्रबंधक ने वो गुरबाणी दे मुताबिक 36 पदार्थ पैदा करन। तुहाडे भोजन दे विच, तुहाडे लंगर दे विच 36 पदार्थ होने चाहिए है। हुण वो 36 पदार्थां दी पूर्ति वास्ते मुढ़ कदीम तो, अज तो नहीं, हज़ारां सालां तो, जदों तो किते अग बनी, जदों तो किते चौंका बनिया, जदों तो किते चुल्हा बनिया, ते नाल ही 12 खानिया वाली लूणदानी भी आ गई सी। उन्हां 12 खानिया वाली लूणदानी दे विच जिथे जायफल है, जवत्री है, दालचीनी है, मगां, छोटी इलायची, मोटी इलायची, सौंफ, अजवाइन, ये सारियां वो चीज़ां ने जिहड़ियां साडे भोजन नूं संपूर्ण करदियां, सारियां रोमां दिंदियां, सारियां तसीरां दिंदियां, सारे रंग, सारे स्वाद। सो इस करके संपूर्ण भोजन का कंसैप्ट साढ़े को होना चाहिए आ। जे संपूर्ण भोजन का असी कंसैप्ट नहीं अडोप्ट करते तो फिर साडा शरीर 120 साल की उम्र तो असी 60 साल की उम्र पर आ गए हैं, और 60 साल की उम्र च भी सानू 6-6 बीमारियां ने, 6 डब्बे दवाइया इधर पे ने, 6 इधर पे ने, 6 मियाँ वाले पास ने, 6 बीवी वाले पास, इन्हां तो असी बचना है। वो किहड़ी अप्रोच होवे, किहड़े कंसैप्ट होण कि असी 100 साल की दीर्घ आयु और सेहतमंद आयु लैके असी कुदरत नूं, परमात्मा नूं, अकाल पुरख नूं समर्पित होइए। जिस तरीके दे नाल फुल दी तरह असी पैदा होए सी, उसे तरह फुल बन के असी फिर वापस अकाल पुरख कोल जाइए, इहदी सोझी सानूं गुरबाणी च दित्ती हुई। इत्थे ही बस नहीं, गुरबाणी दे विच सानू अगली भी गल दसी हुई है। ये तो भोजन की गल होगी, एक उन्होंने एक वक्रा भोजन आ गुरबाणी दे विच असी इधरों सुन के बाहर कढ दिंदे आ, हसण खेडण मन का चाओ। जे असी हसना समझ लईए
जे असी खेडण दी अहमियत समझ लईए ते या फिर मन परचावे दी गल समझ लईए, रिक्रिएशनल अम्यूजमेंट दी गल हैगी आ, ते ए ओ दवाइयां ने जिहड़ियां प्रिवेंटिव ने। जे तुसी हसना ओ नहीं, जिवें एयर होस्टस दी स्माइल है ओ हसना नहीं है, या सवेरे उठ के मैं बड़े वेख्या भंगवे कपड़िया वाले ऋषि मुनि मैं हाथ खड़ा करना, तुसी सारे चादरां बिछाइयां थले बैठे हुए हसो, हाथ थले कर लिया, हुण तुसी चुप कर जाओ, इहनूं हसना नहीं कहिंदे, ये मजाक है। हसण का मतलब है दूरे हो जाना, हसण का मतलब है ढिड्डी पीड़ा पैनिया। सो ये जिहड़ा हासा आ ये एक दवाई है, एक थों आवे वो किहो जिहा माहौल सिरजिए अपने घरां दे विच, मियाँ बीवी दे विच, बच्चियां दे विच, परिवारां दे विच, भैण भरावां दे विच, माँ बाप दे नाल, असी किस तरीके का माहौल सिरजना आ जिहदे विच हासे होण। अज परिवारां दे विचों हासे गायब होए ने, ये बहुत वड्डी गलती हो रही है। हासे किवें वापस लैके आईए, खेडना साडी इन्ना क असी मारो मारी च पै गए हाँ कि असी फिजिकल एग्जर्शन नूं, कैलिस्थेनिक्स ने, वॉक आ, स्विमिंग आ, साइकलिंग आ, असी छड्ड ही गए हाँ कि 2 घंटे जिहड़ी सैर करनी है क्यों ना असी 10-20 होर डॉलर कमा लिए। सो फिजिकल एग्जर्शन जिहड़ी आ ओह दूसरी बहुत अहम दवाई है, दवाई नहीं है, एक प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है, रिहैबिलिटेटिव भी है। और मैं पहला भी जिक्र किया कि मन का चाओ आ जिहड़ा, जिस घर दे विच खुशियां ने, जिस घर दे विच खेड़े ने, उस घर दे विच बरकतां ने, उस घर दे विच आनंदित होईदा, उस घर च मज़ा आया, उस घर च खेड़ा आया, शांति। और अकाल पुरख नूं असीं शुक्रिया अदा करने हैं कि सारियां ही दातां दी बख्शिश की गई। पैसा बड़ा कमा लेना, गड्डियां वखरे नहीं, वखे बैंगलो बना लेने, ये ठीक है, लेकिन जे तुहाडे अंदर दी खुशी नहीं है तो फिर ये सारा कुछ बेकार है। सो बहुत सानू ध्यान करके अपने परिवार दे विच, अपने आले दुआले दे विच खुशियां पैदा करिए। खुशी कहिंदे आ जदों असीं वंडदे हाँ तो ये दूनी हो जाती है, जदों कितें दुख तकलीफ आउंदा है तो इहनूं वंडीए तो अद्धा हो जाता है। इस करके साडी प्रथा दे विच, साडे संस्कारां दे विच, साडी विरासत दे विच, जदों भी कितें दुख तो सुख हुंदा है असीं लोग इकट्ठे हुंदे हां, खुशियां दूनिया करन वास्ते और दुख नूं अद्धा करन वास्ते, वंडन वास्ते। दुख हमेशा वंडिया जाता है, दुनिया खुशियां जिहड़ियां वह इकट्ठियां कीतियां जाणियां, दूनिया तीनियां हुंदियां। सो 36 पदार्थ की मैं गल कर रहा सी, इह साडे शरीर का खाना है, साडे दिमाग का भी खाना है, साडे शरीर दे विच कुछ बैटरियां कम करदियां, और वह बैटरियां रोज़मर्रा अगर चार्ज नहीं हुंदियां तो फिर असी साडा खाना अधूरा रह जाता है। वह बैटरियां कहड़ियां, शरीर की बैटरी चार्ज होनी चाहिए है जिहड़ी रेस्ट दे नाल चार्ज होंदी है, दिमाग की बैटरी है वह सौण दे नाल चार्ज होंदी है, तो जिहड़ी मन की बैटरी है वह मनोरंजन दे नाल चार्ज होंदी है। सो ये तिन्ने बैटरियां जिन्नी देर तक रोज़ चार्ज नहीं होंदियां उन्नी देर तक असी जिंदगी का लुत्फ, जिंदगी का आनंद नहीं माण सकते। डॉक्टर साहब ने बहुत ही पते दीआं गल्लां कीतीआं जिहड़ियां कि सानू आम कोई नहीं दसदा, शायद किसी नूं इहनां बारे इन्ना नॉलेज भी नहीं गा कि जद तक शरीर ही ठीक ना होवे उद तक जिहड़ा तू ही तू दी गल नहीं की जा सकती। और जिहड़े साडे शरीर के अंदर जो कुछ है, जो कुछ साडा असीं बाहर अखां दे नाल देखदे हां उहदा बहुत ही डूंघा संबंध है। तो डार साहब ने साड़ी रसोई की गल की है जिते साडा खाना तैयार हुंदा है उस खाने के जिहड़े जिहड़े रंग जिहड़े स्वाद अकार पुरख वाहिगुरू ने पैदा किए आ उन्हां दी साडे शरीर नूं किसी ना किसी तरीके लोड़ आ, क्योंकि अकार पुरख ने जो कुछ भी बनाया कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिहदा कोई मकसद ना हो, हर चीज़ जिहड़ी आ उहदा कोई ना कोई मकसद आ। तो जे वह मकसद कितें भी पैदा हुई चीज़ वो साड़ी रसोई दे विच आई है तो वह साड़ी रसोई दे विच आउण दा उहदा भी मकसद असीं उहनूं किहड़े तरीके नाल पूरा करना, किहड़े तरीके नाल अपने अंदर उह जिहड़ी घाट आ उहनूं असीं पूरा करना, आपां उहदे बारे भी सोचणा। तो डॉक्टर साहब ने जिदा कहा जिदा का असी खाना खावे उदा का ही साडा जिहड़ा दिमाग जिहड़ा होगा, उदा की साडी आत्मा होगी, उदा साडा मन होगा, जिहदे नाल असी अकाल पुरख वाहिगुरू तू ही तू दी तू ही तू दी गल कर सकते हाँ। और तू ही तू दी गल करदे हां डॉक्टर साहब ने यह भी गल कही आ कि जिहड़ा सिर्फ नाम जप लैणा इहदे नाल ही जिहड़ी साडी मुक्ति नहीं हो सकती, जिहड़ा साडा शरीर आ उहनूं भी जद तक साडा जीवन है उद तक असी सतुलन बनाई रखना, उहदा ये खुशियां दे गमियां दे विच अपना संतुलन जिहड़ा आ
उन्हों गायब नहीं करना असी असी मन दियाँ खुशियां भी लैनियाँ। कई बार असी कह दें मन नूं मारना मारना कितने जिनी देर साडा जीवन है मरना तो उन्हें है नहीं, सिर्फ उन्होंने आपूं काबू में करना, काबू में करने वास्ते जिहड़ियां चीज़ां की सानूं लोड़ आ उन्हां दे नाल असी मिलना है, उन्होंने अपने अंदर असी वसाउणा है, उही असी सुननिया है, उही असी देखनिया है, उही असी बोलनिया ता कि मन जिहड़ा साडे काबू में रहे। तो जो मन काबू में आ गया तो दिमाग का उत्ते कंट्रोल हो गया, आत्मा जिहड़ी आ उहदे भाणे में सारा कुछ चलन लग पिया, तो फिर आटोमैटिक तू ही तू हो जाता। डॉक्टर साहब तुसी जिहड़े साडे स्रोते आ उन्होंने क्योंकि तुसी बहुत सोहणे तरीके नाल रंगा की गल की बाहर जेडे रसोई दिया तो जेडे बहरले रंग आ जड़िया बहरलिया खुशबोईया इन्हों भी थोड़ी जी साडे स्रोतिया जी चानना पाओ कि वो साडे जीवन में की योगदान पाया। जेडे कुदरत ने दिते हुए स्वाद ने, हाँ कुदरत दे दिते हुए रंग ने और कुदरत दियां दित्तियां हुईयां खुशबुआं ने जे किते साड़ी जिंदगी च ये ना होण ते साड़ी जिंदगी ये नीरस है, ये बेकार है। जे किते जिंदगी है तो वह रंगां च है, जे किते जिंदगी है तो वह खुशबुआं च है, जे किते जिंदगी है तो वह स्वादां च है। सो कुदरत ने सानू ये सारा कुछ मानन वास्ते दिता है, पर की ये नाल असी विचरते हैं, असी फिर आर्टिफिशियलिटी असी गैर कुदरती रंगा च गैर कुदरती स्वादा च गैर कुदरती खुशबुआ दे जाल दे विच फसे हुए। और मैं ये बड़ा फर्म हो के कहना है कि जिन्नी देर असी अपने भोजन दे विचों जिन्हों असी खाना पीना ते सुंघना कहने हैं गैर कुदरती रंग गैर कुदरती स्वाद और गैर कुदरती खुशबुआ ने जिहड़ियां ये असी माइनस नहीं कर देंदे पर उन्नी देर तक असी तंदरुस्त नहीं तौर ते हो क्या मैनेज करने की बजाय अस तो ज़्यादा होर पा रहे हैं बहुत ज़्यादा। हुण सिर्फ बर्फी आ खोए की बनाई तो किन्ने रंगों के मिल रही आ, बर्फी तो बर्फी है ना जी, वो होर किन्ने तरह रंग पा के तो वो रंग जिहड़े जो साडे अंदर जाणगे बर्फी ने तो साडी जिंदगी नूं थोड़ा बहुत स्ट्रोंग करना, रंगां ने सानूं उहदे नाल ही बर्बाद करी जाणा। मैं एक गल बड़े दावे दे नाल कहना है कि असी जो हंडाउणी सी हंडा ली, जे असी आने वाली जनरेशन नू अपने अंदर कोई भी सिंथेटिक या कैमिकली स्ट्रक्चर्ड रंग नहीं जान देंदे, स्वाद नहीं जान देंदे, खुशबू नहीं जान देंदे ते कैंसर वर्गियां भयानक बीमारियां नहीं हो सकदी। साडी मठियाइयां दे विच साडी बेकरी दे विच और साडे खाण पीण दे विच आर्टिफिशियल कलर्स ने प्रजरवेटिवस ने इन्ना क वड्डा नुकसान कर दिता है कि असी बहुत सारिया बीमारियों तो पीड़ित। छोटे जे बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, 10 रंगा वाला केक सामने हो गया है, जो किसी उंगल दे नाल तुसी बच्चे नू चटाउंदे हो 3 दिन हरा रंग नहीं लथदा उंगल तो, बेशक उन्हूं ISO लिखिया होया है, बेशक वह अप्रूवड है, पर असी हर अप्रूवड रंग तो स्वाद तो शेल्फ लाइफ वधाउण वास्ते मंडी दे विच बहुत दुनिया आ गई है, मंडी नू जिहड़ा आ फीड करने वास्ते असी सारा कुछ बना लिया, पर ये इंसानी जामे दे नाल खेडना जिहड़ा आ ये बहुत हानिकारक हो सकता है। और मेरी हर जगह ते हर समाज नू मेरी बेनती है कि जे तुसी 100 साल जीना चाहते हो, जे तुसी कैंसर वर्गियां भयानक बीमारियां तो बचना चाहते हो तो अपने अंदर कैमिकली बनी हुई चीज़ कोई नहीं, कुदरत दे खजाने दे विचों सब्जी भाजी हो सकती है, कुदरत दे खाने दे विचों फल फुल हो सकते हैं, कुदरत दे खजाने विचों जड़ी बूटी हो सकती है, कुदरत दे खजाने विचों खुशबुआं हो सकदियां हैं, यही तुहाडे लई बनिया है। इस तों अलावा जे असी किते जाण दी कोशिश करांगे असी बड़े साइंटिफिक हो जाइए, बड़ी असी टैक्नोलॉजी दी एडवांसमेंट लै लीए, बड़ी असी शेल्फ लाइफ वधाउण दी गल कर लीए, कुदरत इस चीज़ दे नाल समझौता नहीं कर। डॉक्टर साहब ने बहुत ही बाखूब जिहड़ी आ उह गल आखी आ कि असी रोज़ दिहाड़ी अज असी देखदे हां कि पंजाब दे विच साडे पंजाब दे विच ही बहुत सारे एरिए जिन्हां विच 50-60% जिहड़ी आ लोक कैंसर दे मरीज़ हो चुके आ, पर उह कैंसर दी बीमारी कोई छूत दी बीमारी नहीं कि जिहड़ी साडे बाबे दादे तों कि असी तां कदी सुनी नहीं सी, पर जे उह अज कैंसर दे मरीज़ होए आ ते उहदे विच किते ना किते साडियां गलतियां हन। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी बाखूबी जिहड़ियां उन्होंने गलतियां दी गल कीती आ कि जिहड़े कुदरती रंगां तों बाहर जिहड़े असी आर्टिफिशियल रंग जिहड़े आ
उन्होंने किसी ना किसी तरीके ना अपने अंदर जान दें तो एक कैंसर हर रोज़ की रोज़ असी एक चीज़ अपने अंदर भेजते हैं जिन्हें कैंसर पैदा तो जेडे खट्टे मिट्टे स्वाद आ तरह तरह के लचकर जड़िया खाने वाली चीज़ा अगर वो भी असी कुदरत की होंद तो बहर जाके आप आर्टिफिशियल बना के भेजते हैं किसी ना किसी तरीके सिर्फ जीव के स्वाद वास्ते वो भी साड़ी कैंसर का कारण बन दियाँ जेना फिर असी जो सा शरीर कोड़ी हो जाता है उस काबिल ही नहीं रहा कि असी अपने आनंदमय जीवन के नाल जी सकी तो जींदे ही असी एक मरिया वाला जीवन बतीत करते हाँ तो सानू जो भी कुदरत ने बख्शिया दाता बख्शिया हैं उ ही वरतनिया चाहिए उन्होंने तरीकों के नाल ही सानू चलना चाहिए जो साडे शरीर में कुदरती तौर पर पाउंदियां हैं उ ही खानिया चाहिए ना कि अपने जीव के स्वाद में या कमर्शियल तौर के उत्ते दूसरों के नाल खेडना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत ही बाखूबी इन गल्लां दसियां ते तू ही तू दे प्रोग्राम दे विच जो इन्होंने गल्लां कीतियां हन क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु जी ही होंद दे विच ही सारा कुछ वापरिया तो बहुत ही खुशी है। डॉक्टर साहब जी ये तुसी अखीर एज एक गुरसिख एज एक बहुत ही होनहार डॉक्टर तुसी की सुनेहा देना चाहते जिन्हां साडे जिहड़े स्रोते आ उहदी आत्मा भी बलवान होवे उहदा शरीर भी बलवान होवे और खुश भी रह सकन अखीर दे विच किहड़ा शॉर्ट टाइम दे विच की सुनेहा दोगे? बहुत वड्डी गल आ कि समुद्र नूं कुजे विच बंद करना कमूली जी गल नहीं गी सिर्फ चार सिद्धांत एक कॉइन ले लो दो सिद्धांत एक पासे इत्थे लिखे हुए ने दो एक पासे लिखे हुए जे असी अपनी जिंदगी नूं सहजमई ढंग नाल आनंदमई ढंग दे नाल बड़ी कामयाबी दे नाल जिंदगी नूं जीना चाहुंदे आ जिन्नियां साडे उत्ते जिम्मेवारियां आ उहनां नूं बाखूबी निभाउणा चाहुंदे आ और एक चंगा इंसान दी तरह जिंदगी जीना चाहुंदे आ ते चार चीज़ां दा ख्याल रखना पएगा। एक पासे ते है टॉलरेंस एंड पेशेंस। टॉलरेंस ते पेशेंस दा मतलब है बर्दाश्त दा मादा। जे असी बर्दाश्त दा मादा अपने अंदर पैदा कर लीए ते मैं समझना एक बहुत वड्डी गल है दुनिया भर दे कला कलेश मुक सकदे आ। जे असी कोई उच्ची बोलता है तो उन्हें उसे उच्ची आवाज़ च उस तो उच्ची आवाज़ जवाब ना देिए। जे कोई गाली गलोच करता है उन्हें असी चुप करके सहन कर लीए अगले दिन जवाब देवे उन्नी देर वो खुद शर्मिंदा होया हों। सो टॉलरेंस ते पेशेंस ये आम आदमी को नहीं होंगी। बर्दाश्त का मादा एक बहुत ताकतवर इंसान बड़े सूरमे को जिदा कई बार कहा गया कि जोड़ा किसी माफ़ कर देना उहदे नाल बड़ी सुरमताई नहीं माड़ा बंदा किसी नूं माफ़ भी नहीं कर सकता। माड़ा ये ताकतवर बंदे की गल है। बर्दाश्त का मादा जिहड़ा आ ये बहुत वड्डी ताकत है। और दूसरे पासे जिहड़े कॉइन ते लिखिया वह हैगा केयरिंग एंड शेयरिंग। मैं दुनिया भर च जाना आ नॉर्थ अमेरिका की यूरोप की एशिया की ऑस्ट्रेलिया की मैं एक चीज़ की बहुत वड्डी कमी महसूस की अपने भाईचारे दे विच कि साडे कोल केयरिंग ते शेयरिंग नहीं हैगी। असी जदों भी कितों बाहरों सारा दिन विचर के आईए तो अपने घर परिवार दे विच आ के दुख दर्द खुशी गमी सानू लिया के ढेरी कर देनी चाहिए है कि आ माड़ा होया आ चंगा होया अपने कोल गुत्थी बन के नहीं रखनी चाहिए। शेयर करनी बहुत जरूरी है। जदों असी केयर करांगे जदों असी शेयर करांगे तो सामने बैठा साडे परिवार का मैंबर चाहे तुहाडी पत्नी होवे चाहे तुहाडा हसबेंड होवे चाहे माँ बाप होण चाहे बच्चे होण फिर वो तुहानू केयर करेंगे। सो केयरिंग एंड शेयरिंग जिहड़ी आ ये एक बहुत वड्डी गुण है जिहड़ा साडे अंदर सानू पैदा करना पएगा। टॉलरेंस एंड पेशेंस एक ताकत है। केयरिंग एंड शेयरिंग एक इहो जिहा गुण है जिहड़ा कि तुहानू देवतियां तक अगे लै जांदा। सो बर्दाश्त दा मादा और केयरिंग शेयरिंग हर परिवार दे विच होनी चाहिए है। कर लिया के खुशी वंडोगे तो दूनी कर लोगे दुख वंडोगे तो वैक्यूम रिलीज हो जाएंगे चैन दी नींद सौवोंगे। सो इस करके ये चार चीज़ा अगर असी अपनी जिंदगी दे रोज़मर्रा अपना लीए तो असी उच्चे इंसान बन सकते। डॉक्टर साहब जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद है आज दे तू ही तू दे प्रोग्राम दे विच जो साडे दर्शक हैं उम्मीद है कि उन्होंने ये प्रोग्राम पसंद किया हो। बड़ी बाखूबी के नाल डॉक्टर साहब ने सानू इस जीवन नू किहड़े तरीके नाल खुशी दे नाल असी जीवन ये बतीत करना उहदे बारे डॉक्टरी तरीके नाल बहुत ही खूबी तरीके नाल सानू दस्या है। उम्मीद है कि साडे दर्शक जिहड़े आ उहनू पसंद करनगे। वो
अकाल पुरख वाहेगुरु जी होंद है तू ही तू दे शब्द दुआले ही घूमती है। जदों साड़ी मैं असी मार ली तो कह दिता तू ही तू तो बाहर भी तू है तो अंदर भी तू है तो फिर जोत जग जाती है। साड़ियाँ भुलां जड़ियाँ साड़ी झोली में पा देनी है। अगर कोई गलती हो गई हो अगर कोई गल चंगी लगे तो अपने पल्ले वसा लैन। डॉक्टर जी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह।